हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय, स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विदुल क्लासी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 5 जून करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ही कर लेंगे, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। शुरू करेंगे क्वेश्चन 1 के साथ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो मिशन फतेह नाम से है वो अभियान शुरू किया है? तो किस सरकार ने किया? वो किया पंजाब सरकार ने। किसने किया? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना है, महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना पर जोर दिया है। आगे देखें रिवीजन लास्ट डे का क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 के केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान की सहायता है तो किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो वह किया चैंपियन नाम से। अगला है कि ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया गायत्री कुमार को। अगला है कि हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया आदेश कुमार गुप्ता को। अगला है हाल ही में किस चक्रवर्ती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो क्या निर्सरंग को। अगला है केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देश बनने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 जो करोड़ रुपए की लागत से कितनी जो नई परियोजना शुरू की है? तो वो किया 3 नई परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। विश्व डाइजेस्टिव हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 मई को। अगला हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामांकित किया गया है? तो वो किया गया दीप्ति शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आज का मशहूर फिल्म जो खिलाड़ी थी उसमें वादा रा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो वो हो गया अनवर सागर का। किसका? अनवर सागर का। 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अनवर सागर की ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए भी गाने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ड्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों को जैसी जो सेवाएं उसके लिए आधार को अनिवार्य कर दिया? तो किस सरकार ने किया? वो किया तमिलनाडु सरकार ने। किसने किया? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस जारी युद्ध के बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो है कारोबार खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन तमिलनाडु में अब बाल और कटवाने, ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया। राज्य सरकार की दलील थी कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को जो है ट्रेस करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया सीवी जॉर्ज को। किसे किया? सीवी जॉर्ज को। 1983 बैच के सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत में कार्यरत थे। सीवी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का जो है स्थान लेगी। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत के राजदूत के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। रेटिंग एजेंसी इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय जो रेटिंग है उसको BAA2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो वो कर दिया BAA3 से। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति को चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौती खड़ी होगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को B112 से घटाकर B3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग का भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया है। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर BA2 किया था। अब आगे देखें जो आज का सवाल आपके लिए और जिसका राइट आंसर देना आपको नीचे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने जो खरीफ फसल है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो कितने की दी है? ऑप्शन है आपके लिए
वो देख लेंगे, 20, 25, 14 और 31 राइट आंसर देंगे नीचे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन देखेंगे 6, अमेरिका में यूजर की सूचना एकत्रित करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जो है मुकदमा दर्ज किया गया है? तो वो किया गया 5 अरब डॉलर का। गूगल पर अपने यूजर पर नजर रखने का आरोप लगा और यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। गूगल पर क्रोम ब्राउजर में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी का आरोप है। किस नंबर देखेंगे 7, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया है उदय कोटेक को। कोटेक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटेक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनिवर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संन्यास करने की मंजूरी दी है? तो वह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के समारोह में 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के जो संस्पादक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके नाम पर करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदर का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। कोलकाता का बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में होती है। क्वेश्चन देखेंगे पिछले वीडियो का और सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम। क्यों सुना कि रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना जो है आवेदन भेजा है? तो वो भेजा है अर्जुन अवार्ड के लिए। और सही जवाब दिए उनके नाम है शारदा देवी सत्यवीर जी। आप दोनों को हार्दिक हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दे ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। अगले वीडियो में तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।